जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कोरबा हल्दी बाजार इलाके में एक लापरवाह ट्रेलर चालक के कारण तीन लोगों की जान संकट में फंस गई है। बलौदा मार्ग से होते हुए आ रहे ट्रेलर चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए घर के बाहर बैठे तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कोरबा के हल्दी बाजार क्षेत्र में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। घर के बाहर मुंडेर पर बैठे तीन लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम सरई श्रृंगार डिंडोल भाटा निवासी लक्ष्मी नारायण साहू, कैलाश साहू व लड्डू गोपाल साहू अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान बलौदा की तरफ से एक ट्रेलर आया और तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों मौके से करीब 30 फीट दूर जा गिरे। हादसे में 1.5 साल का एक मासूम भी घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों को चपेट में लेने से पहले ट्रेलर चालक ने नीम के पेड़ के साथ ही एक दोपहिया वाहन को भी ठोकर मारी थी। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया। मामले में अपराध कायम कर पुलिस ट्रेलर चालक की तलाश में जुट गई है। कोरबा राजगंज से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। लगभग 6 बजे के आसपास बलौदा हरदी बाजार मार्ग पर जो खनिज बैरियर है, खनिज बैरियर के पास एक साहू होटल है, उसके पास जो चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर ट्रेलर क्रमांक CG12AU2010 के चालक द्वारा ट्रेलर को काफ़ी तेजी से और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ला करके चबूतरे को ठोकर मारी गई, जिससे एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई है और वहाँ पर उपस्थित लक्ष्मी नारायण साहू एवं उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों को चोटें आई हैं, जिन्हें तात्कालिक रूप से पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदी बाजार में भर्ती कराया गया था, जहाँ से उन्हें बेहतर उपचार के लिए कोरबा रेफर किया गया है और प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी ट्रेलर चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। घटना स्थल ग्राम सरई श्रृंगार डिंडोल फाटा के पास मोड़ क्रॉस का है। वहाँ पर ट्रेलर में एक्सीडेंट होने से लक्ष्मी नारायण साहू, कैलाश साहू और एक बच्चा है पुनाल साहू, उनको चोटें आई हैं, जिनका डॉक्टरी मुलाहजा फार्म भरा गया है तथा उनको डॉक्टर साहब द्वारा कोरबा रिफर किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है, अभी वर्तमान में नहीं है वहाँ पर। सर, बलौदा रोड सरई श्रृंगार का है, जिसमें एक गाड़ी वाला तेज रफ्तार से आके घर के बाहर में इन लोग बैठे थे तो मार के, मतलब बहुत स्पीड में आकर के मारते हुए चला गया, जिससे इन लोग ना 30-40 फीट तक दूर जाके गिरे हैं और काफ़ी चोटें आई। घटना में एक छोटा मासूम भी है 1.5 साल का और एक आदमी 25 साल का है, एक आदमी 35 साल का है, तीनों के तीनों एक ही घर के। क्या 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 नाम है उन लोग का? एक आदमी का लक्ष्मी नारायण साहू नाम है, एक जने का नाम कैलाश साहू नाम है, एक जने का नाम लड्डू गोपाल साहू नाम है, बच्चे का नाम लड्डू गोपाल साहू नाम। जी, अभी क्या स्थिति बनी है? स्थिति तो बहुत गंभीर लग रहा है इन लोग का। छोटे बच्चे का पैर बहुत ज़्यादा डैमेज है और सिर में भी चोट है, और एक कैलाश साहू है, उसका भी बहुत पैर हाथ में चोट है और वो तो अभी तक बेहोशी के हालत में है। लक्ष्मी नारायण साहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप साहू है, उनके बड़े पिताजी का लड़का हूँ मैं।